हैदराबाद के इलाके हीराबाद में कमसन साले कुरैशी को कत्ल करके लाश प्लाजा की छत पर फेंकने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके हीराबाद में दो रोज कबल कमसन साले को बेदर्दी से मुंह बंद करके गला घोंट कर लाश प्लाजा की छत पर फेंकने का केस हल हो गया। पुलिस की बनाई गई साथ रखने कमेटी की तेज तफ्तीश से मुलजिम दो रोज में सामने आ गया और दौरान गिरफ्तारी फायरिंग के तबादले में बच्ची का कातिल मारा गया। मुलजिम उसामा कुरैशी बच्ची का पड़ोसी है, जिसने तफ्तीश से फरार होकर दौरान गिरफ्तारी पुलिस पर फायरिंग की और मुकाबले के दौरान हलाक हो गया। एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख के मुताबिक हलाक मुलजिम उसामा कुरैशी बच्ची का मोहल्लादार है और घर में आना जाना था। कत्ल वाले दिन बच्ची घर से चीज लेने निकली थी और प्लाजा में दाखिल हुई थी, लेकिन घर नहीं पहुंची थी। हलाक मुलजिम बच्ची से ज्यादती करने की नीयत रखता था और शोर मचाने पर बच्ची को कत्ल करके छत पर ही फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि मकतूल बच्ची के वालदैन के बयानात और सीसीटीवी में मशकूक हरकत के बाद उसामा कुरैशी से तफ्तीश जारी थी। मुलजिम को जब तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो उसने नंबर बंद किया और शहर से फरार होने की कोशिश की। पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया।